हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ रोडू, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स को बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं रोडू जा रही हूँ अब इसलिए। और घर जाते हुए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मूड थोड़ा ख़राब था, मतलब घर से जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने आज ब्रश नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये निकाला है। ये है रिक्शी, मतलब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। हमारे इधर पे ना इसकी दानतुन करते हैं, ये एक झाड़ी जैसा पौधा होता है, तो ये कड़वा कड़वा सा होता है अगर इसकी दानतुन करेंगे। तो ये है देसी ब्रश, और मेरे पास बहुत सारा सामान है चकने को। और मेरे घर वाला रास्ता ना पूरा बर्फ़ वाला था और उस पर आइस जमी हुई थी, और मेरे जूते ना, जो जूते का सोल होता है ना नीचे का, वो भी पूरा जम गया, और ऐसे टाइट टाइट हो रखा है ना कि अगर बर्फ़ पे चल रहे ना, इतना स्लिप हो रहा, इतना स्लिप हो रहा, एक जगह तो मैं गिर भी गई थी। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ, आपसे अब रोड में पहुंच के मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारे गांव के रास्तों में कितनी आइस जमी है, और ये सुबह सुबह और शाम के टाइम पे इतनी स्लिपरी हो जाती है ना। इधर का सीनारियो देखो, इधर तो इतना डेंजरस है ना, बच्चों ने इधर से फिसल फिसल के फिसल फिसल के ये और चीज़ ज़्यादा स्लिपरी बना दिया है। जी हम रोड में पहुंच गए, और आप मेरे गांव में देख सकते हो अभी तक बर्फ़ है इतनी सारी। तो अभी हम ना चाचू का वेट कर रहे हैं, देखते चाचू कब तक आते हैं, फिर उसके बाद चाचू के साथ रोड जाएंगे। और चाचू ने ना कीज गाड़ी की हमें दे रखी है कि ऊपर जाके गाड़ी, मतलब भैया आएंगे, भैया को देना है गाड़ी स्टार्ट करके, थोड़ी देर गर्म होने के लिए रखनी पड़ती है क्योंकि आजकल ना मतलब उसमें आइस जम जाती है, तो थोड़ी देर गाड़ी को पहले गर्म करना पड़ेगा, एक दो बारी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए चाबी चाचू ने पहले दे दी, अब हम ये चाबी भैया को देंगे, भैया थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर जब चाचू आएंगे फिर हम उनके साथ चलते हैं। और चाचू यहाँ पर एक कुत्ती लेकर आए हैं जिसका नाम है डैजी, और ये ड्राइवर सीट पे बैठी है। डेजी नेगी, तो अभी हम रुके हैं संदासू में, और ये दोनों देखो यहाँ पर पोज मार रहे हैं, इनको लगा कि मैं फोटो ले रही हूँ। बड़ी गंदी है ये तो। तो चाचू गए अभी बिल जमा करने के लिए, और डेजी इधर सोई है। डेजी, और ये है वो शख्स जो परसों हमारे साथ मंदिर नहीं आया था, अब अपना मुंह छुपा रही है क्योंकि हम इससे नाराज है। कुछ बोल, मैं भी नाराज हूँ। ये है चटगांव बस स्टैंड, और अभी बस नहीं लगी, मतलब एक बस लगी है वो फुल है, तो हम सेकंड बस में जाएंगे। और इधर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही होगी। आजकल गाँवों में ना सूखा घास रखा होता है, तो आग लगने की संभावना होती है, इसलिए एक गाड़ी यहीं पे रहती है। वैसे फायर स्टेशन रोड में है, और ये दोनों अभी घूम रहे हैं, मेरे को इतना भारी सामान लेके घूमना पड़ रहा है इनके पीछे पीछे। तो हम पहुंच गए रोडू, और आज बहुत क्राउड है, अभी हम बाईपास पास है। और मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे साथ पुन्नू भी आई है, और पुन्नू के साथ आकृति, पर पुन्नू ना आज वापसी जा रही है चढ़गांव, इसको बुआ के घर जाना है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 5:02। तो आज है नेक्स्ट डे, और जैसा कि इससे पहले क्लिप्स में आपने देखा कि मैं रोडू आ गई हूँ, तो आज है नेक्स्ट डे। और कल मैंने थोड़ा बहुत शूट किया जो आप लोगों ने अभी तक देखा, और उसके बाद मैं रूम पहुँच गई थी। तो एक महीने से रूम बंद पड़ा था, 1.5 महीने से मतलब, तो रूम की सफाई भी थी करने को, तो मैंने पूरे रूम की सफाई करी। और उसके बाद कपड़े भी थे धोने के लिए बहुत सारे, फिर मैंने वो धोए, तो वो सब करते करते रात हो गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज की वीडियो मैं 5 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है अमर टैक्स, वहाँ से मुझे सामान वगैरह लाना है, चावल आटा वगैरह, क्योंकि रूम पे सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, तो आज उसको लाने जाएंगे। इससे पहले मैं अभी लगा रही हूँ नेल पेंट, ये वाला शेड ना मुझे बहुत पसंद है, ये ब्रांड की है, मुझे खुद ही नहीं पता ये ब्रांड की है या नहीं, देख के बताती हूँ।
ये है स्विस ब्यूटी की नेल पॉलिश, आपको दिख ही नहीं रही होगी, छोड़ो, ये स्विस ब्यूटी की नेल पॉलिश। और ये वाली नेल पॉलिश की शेड मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ। यूज़ कर करके मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है, तो मेरे क्योंकि मेरे नेल्स ना इतने गंदे हुए पड़े हैं, मैंने वो पेंट किया था ना जो आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा, तो उसकी वजह से पेंट अंदर तक घुस गया नेल्स में और नेल्स पूरे ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। तो नेल पॉलिश अप्लाई करके छुपा देती हूँ इन्हें थोड़ा, वरना लोग सोचेंगे क्या ऐसे मैले मैले से लग रहे हैं। तो अभी ये यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी अमरटेक्स माल लाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे अमरटेक्स जाते टाइम। मच 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 लेटर। ये देखो, ये नेल पॉलिश मैंने लगा दी और मेरे नेल्स बहुत बुरे हैं, तो इनको मत देखो। मैं अपने नेल्स आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे नेल्स बहुत बुरे हैं, क्योंकि मेरे नेल्स ना उगते नहीं है, छोटे छोटे से हैं, तो बस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। और अब हम चलते हैं अमरटेक्स, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो यह है वो लिपस्टिक जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का है, और शेड शूड मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, बस लिपस्टिक लगाती हूँ। तो जो भी है, ये आप खुद ही देख लो। ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है, मैंने ना थोड़ा थोड़ा इसको मिटा लिया क्योंकि घर में कौन ही लिपस्टिक अप्लाई करता है, पर मेरे लिप्स ना इतने फट रहे, लिप बाम लगा कर भी चैन ही नहीं है मुझे, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाया है। बाकी कब से बोरी में चलते हैं चलते, तो अब चल ही पड़ते हैं। तो फाइनली मैं रूम से निकल गई हूँ, और मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं आते आते अपना पर्स लाना भूल गई थी, कहाँ गया पर्स लाना भूल गई थी, तो मुझे आधे रास्ते से दोबारा जाना पड़ा, और अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ। मेरे रूम से अमरटेक्स उतना ज़्यादा दूर है नहीं। सो अभी ना सनसेट हो रहा है, अभी मौसम थोड़ा खुल गया, सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था और इतनी हवाएं चल रही है, तो मैं पहुंच गई हूँ यार रोड में, और वहाँ है अमरटेक्स। सो ये हम पहुंच गए अमरटेक्स, तो अब चलो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो अमरटेक्स से मैंने इतनी सी शॉपिंग की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोरोप्लस थी नहीं अमरटेक्स में, तो अब वो शॉप से लेनी पड़ेगी, चलते हैं अब। से सामान लेकर रूम भी पहुंच गई हूँ, और मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है यार आज। और मैं अभी पहुंची ना, मैं रूम लॉक करके गई थी, मैं अभी लॉक खोलने लगी तो लॉक ही नहीं खुल रहा, लॉक ही नहीं खुल रहा, मेरे हाथ में इतनी दर्द हो गई, आधा घंटा हो गया कम से कम मुझे लॉक खोलते खोलते, लॉक खुल ही नहीं रहा था, उससे पता नहीं क्या ही हो गया था, लॉक तोड़ने की नौबत आ गई थी, पर फाइनली लॉक खुल गया। और क्या बोलूँ, अब आज का दिन कैसा रहा, बहुत ही बोरिंग, क्योंकि रूम में करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और अब पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब तक आएगा, मैं कहीं जा रही हूँ, अगर वहाँ गई तो ब्लॉग शूट करूँगी, अगर नहीं गई तो एग्ज़ाम्स तक देखते हैं, अगर कहीं जाऊँगी, वैसे रूम में ही हूँ मैं क्योंकि अब पढ़ना है, तो अगर कहीं जाऊँगी तो ब्लॉग शूट करूँगी, वरना अब कोई पता नहीं आपको मेरा ब्लॉग कब देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।